स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी का दोस्तों एक नोटिस जो आया है, ठीक है, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा है बोर्ड परीक्षा 2024 को रद्द करने के लिए, ठीक है, और कहा जा रहा है कि जितने भी कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी, आपका बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिया गया है। और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये बुधवार को दोस्तों इनका जो गिरफ्तारी हो गया है ईडी के द्वारा, ये जो पूछताछ में जो है क्या हुआ तो इनका गिरफ्तार हो गया, ठीक है, और ये जो अपना जो है मुख्यमंत्री पद से दोस्तों हट चुके हैं। तो दोस्तों उसी के संबंध में आपका नोटिस जारी किया गया और बोल रहा है कि आपका बोर्ड परीक्षा 2024 कैंसिल है, ठीक है। तो इस नोटिस का दोस्तों क्या असलियत में आप सभी को बताने वाला हूं, आप किसी के दोस्तों बात पे मत रहिएगा, ठीक है, आज का ये वीडियो देख लीजिए, आपके पास कोई टेंशन रहेगा तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस दोस्तों और ये नोटिस डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा 2024 को टारगेट कर रहा रद्द करने को लेकर, ठीक है। चलिए पूरा दोस्तों आपको नोटिस दिखाते हैं, नोटिस में क्या लिखा है और इसका सच का असलियत क्या है, सच का पता आज किस वीडियो में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना तेजी से वायरल हो रहा है, इतना तेजी से कि हर एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर बोर्ड एग्जाम 2024 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, क्या है इसका सच्चाई, क्या पांचों क्लास का कैंसिल हो गया, कब होगा एग्जाम। चलिए दिखाते हैं आपको नोटिस में क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लिए, ये जो नोटिस जो वायरल हो रहा है साफ साफ यहाँ पर झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल लोगो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची इंग्लिश में लिखा है, इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ईयरली सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंसेस कॉमर्स लिखा गया है। सर क्या क्लास 10th और 12th के बारे में है नोटिस, या फिर आपका 8वीं 9वीं और 11वीं के सभी के बारे में, पांचों क्लास को टारगेट किया गया, ठीक है। इसका असलियत मैं आपको बताने वाले हैं कि जो फेक है कि रियल है, आप किसी के भरोसे बात पे मत रहिए। फिर से बोल रहे बोर्ड एग्जाम 2024 का सवाल है दोस्तों, अगर कोई भी चूक करते हैं तो इसका असर बोर्ड एग्जाम 2024 पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, किसी के भरोसे बात मत रहिए। ये जो नोटिस हुआ है दोस्तों, ये आपका जो सुबह 6-7 बजे से वायरल चल रहा है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कमेंट में कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तब वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों डेट लिखा गया है 1/2/2024, 1 फरवरी को दोस्तों की नोटिस जारी हुआ, ठीक है, जिसमें बोला 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, और साफ साफ देखिए ना कैसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, ये नोटिस आपका पूरा इंग्लिश में एकदम लेक्चर को झारा गया, ठीक है। कह रहा है इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट 10th एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंसेस कॉमर्स, आपको बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी आर्ट साइंस और कॉमर्स और साथ में आपका 8वीं 9वीं 11वीं का भी टारगेट किया गया, ठीक है। कह रहा है कि डेट आर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2024 इज पोस्टपोन्ड, क्या बोल रहा है पोस्टपोन्ड, और पोस्टपोन्ड का हिंदी मतलब जानते हैं काची होता है, रद्द करना, ठीक है, रद्द करना। सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, पहले नोटिस मैं आपको सुना देता हूँ पढ़ के, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, कुछ को बुझेबे नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है टिल फर्दर अपडेट ड्यू पॉलिटिकल, क्या बोलता है अनक्रेडिटेड, मतलब कि ये जो अपडेट जारी किया गया वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया उसके बारे में कह रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार हो चुका है, तो बोर्ड एग्जाम कौन लेगा झारखंड में, द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन अनटिल फॉर द नोटिस द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, बोल रहा कि आपका एग्जाम नहीं है, एक्सपेक्टेड कर दिया गया कंटिन्यू फ्रॉम द अप्रैल ऑनवर्ड, और बोल रहा कि एग्जाम को रद्द करके अप्रैल में लेगा, कब लेगा अप्रैल में, ठीक है, पूरा आपको बता देंगे रियल है कि फेक है, किसी के भरोसा मत रहेगा। फिर से बोल रहे बोर्ड एग्जाम 2024 का सवाल है दोस्तों, अगर किसी का भरोसे या बात में रहते हैं तो इसका आपको पछतावा बहुत बुरा पड़ेगा, ठीक है, सच के साथ दीजिएगा, ठीक है। ऑन बाद एंड टोटल 5 मॉडल सेट पेपर विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच सब्जेक्ट, और अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होगा, और आपका अप्रैल में जो बोर्ड एग्जाम होगा ना उसके लिए 5-5 सेट मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, 8वीं 9वीं 11वीं के लिए तो 1 सेट जारी नहीं किया गया, उसके लिए भी बोरा 5-5 सेट करेगा। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है झारखंड बोर्ड आज तक, झारखंड बोर्ड अभी तक, झारखंड बोर्ड आने वाले कल तक कभी भी इंग्लिश में नोटिस को जारी नहीं किया है, ठीक है, कभी भी इंग्लिश में नोटिस जारी नहीं किया, क्योंकि झारखंड बोर्ड इज ए हिंदी मीडियम, झारखंड बोर्ड एक हिंदी मीडियम बोर्ड है, ठीक है, हिंदी बोर्ड है, जो कि उनके जो विद्यार्थी है वो हिंदी को पकड़ते हैं ना कि इंग्लिश को। तो ये देखिए ये नोटिस जो है वो इंग्लिश में आया है, तो पहला जो फेक होने का रीजन है कि ये नोटिस कभी भी
झारखंड बोर्ड के द्वारा इंग्लिश में आज तक जारी नहीं किया गया है। आज तक झारखंड बोर्ड के द्वारा कभी भी नोटिस इंग्लिश में जारी नहीं किया, हमेशा हिंदी में किया गया है। ठीक है, झारखंड अधिविद परिषद राज्य इस प्रकार से हिंदी में एतद द्वारा सूचित किया जाता है, इस प्रकार से नोटिस का सेंटेंस बनता है। ठीक है, और सबसे और सेकेंड बात, अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होगा और 16 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव है। बोलिए कि अप्रैल में एग्जाम होगा नहीं होगा। 5 सेट मॉडल पेपर जारी करने के बोरा, और जो मॉडल पेपर एक एक सेट जारी किया गया 10 और 12 का, ठीक है, उसमें ध्यान दीजिए जो भी टीचर जारी किए थे वो जो बोल चुके कि 21 सेट मॉडल पेपर जारी हुआ, अदरवाइज नहीं होगा। और 8वीं 9वीं 11वीं का मॉडल पेपर आने वाला है, आएगा कि नहीं उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों को बोलिए कि ये फेक न्यूज है। ठीक है, इस पर बात पर भरोसा मत रखिए। बोर्ड एग्जाम जिस प्रकार से 2024 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 6 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है, अगर लापरवाही किए बाबू आपका बोर्ड एग्जाम 2024 पर असर पड़ने वाला है। और जो भी 8वीं 9वीं 11वीं के बच्चे सोच रहे ना, क्योंकि 11वीं का जो एग्जाम है वो 27 से 28 से और 29 से, 3 दिन एग्जाम है, अभी से वक्त है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से लेट से जारी किया गया है। लग जाइए तैयारी में, बोर्ड एग्जाम 2024 को फाड़ के रख दीजिएगा। नहीं किसी का भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, चाहे आप 8वीं में पढ़ते हो, 9वीं में पढ़ते हो, 10वीं में, 11वीं में, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। 100% आपका एग्जाम होगा, और जो आपका एग्जाम डेट निकाला गया उसी में होगा। मुख्यमंत्री रहे चाहे न रहे हमें उससे मतलब नहीं है। जेक अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल कुमार महतो है, जेक को प्रिपरेशन कराने वाला जो जेक के जो भी अध्यक्ष है, छोटे पदाधिकारी पे हो, बड़े पदाधिकारी पे हो, आपका एग्जाम लेगा, 100% लेगा। जो सेंटर बना उसी सेंटर पे, जो रोल नंबर है उसी रोल नंबर पे होगा, जो एग्जाम डेट है उसी एग्जाम डेट के दिन होगा, जो सब्जेक्ट का एग्जाम जिस दिन है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम उसी दिन होगा। आप इस नोटिस को जितना दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो पता चल सके कि जो फेक न्यूज से बच सके। एग्जाम 2024 में तहलका मचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जितने भी अगर कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं के विद्यार्थी, तो आप सभी का मॉडल पेपर दोस्तों अभी तक नहीं आया है। मॉडल पेपर नहीं आए तो आप सभी को आइडिया नहीं लग रहा है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम कैसा होगा। आप सभी के लिए तहलका गैस पेपर को लेकर आ चुका है, और फिर से बोल रहा है जो भी परचेज नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा। ठीक है, 20 दिन दोस्तों बचा है, अगर लेके चले तो 20 दिन में क्या आप कर लीजिएगा, इसीलिए बोल रहे अगर नहीं बाय किए तुरंत कर लीजिए। इतना कम प्राइस दोस्तों रखे हैं आपको पता नहीं चले। देखिए क्लास 8 का जो प्राइस वो मात्र 30 रुपया है, क्लास 9 का जो प्राइस वो मात्र 30 रुपया है, और क्लास 11 का जितना भी जो आपका क्या है स्ट्रीम के विद्यार्थी उनका 40 रुपये। तहलका गैस पेपर नाम है, क्या नाम है, तहलका गैस पेपर, बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने वाला गैस पेपर। ठीक है, एग्जाम होगा, मत सोचिए फेक कि मत सोचिए कि रद्द हो गया, एग्जाम होगा 100% एंड 1% एग्जाम होगा। आप गैस पेपर को बाय कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही कम समय बचा ताकि अधिक से अधिक नंबर ला सके। और ये गैस पेपर दोस्तों आपको पता चल गया कि 8वीं का 30 रुपया में मिलेगा, 9वीं का 30 रुपया, 10वीं का, 11वीं का जो आपका 40 रुपया मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, यहाँ पर भी नंबर लिख देते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको QR कोड भेजा जाएगा, चाहे आप पेटीएम यूज कीजिए, फोनपे, या फिर किसी पेमेंट मेथड यूज कीजिए। आप जब 40 रुपया पे कर दीजिएगा, अगर 11 के विद्यार्थी हैं, 8 के 9 है, तो 30 रुपया पे कर दीजिएगा, आपको गैस पर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि एग्जाम में तहलका मचाने वाला है। क्योंकि मॉडल पेपर दोस्तों अभी तक नहीं आया, 20 दिन एग्जाम का है, आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना भी नहीं है। तो इसको लेकर पढ़िए ताकि आप एग्जाम में तहलका मचा सके, और इस न्यूज से बच के रहिए। ये आपका न्यूज फेक है, ये जो बोल रहा है ना कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, ठीक है, 100% एग्जाम होगा, और ये जो देख रहे हैं ना इसको जेल जाने से हमको मतलब नहीं है, हमको एग्जाम से मतलब है। ठीक है, तो जाइए एग्जाम में तहलका मचा के आइए। 6 फरवरी से लेकर आपका 9 मार्च तक एग्जाम चलेगा, सब मिला के 5वीं क्लास तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, सबका मिला के। जल्दी जाइए दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, गेस्ट पेपर को परचेज कीजिए। आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।